ये जो पूरा मामला है इस केस का, ये लैंड डिस्प्यूट केस है और लॉ के निगरानी में ये सारी चीज़ें हो रही है। ये केस अभी सब जूडिस है और कोर्ट का बहुत जल्द जजमेंट आने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट इस चीज़ को देख रहा है, और कोर्ट कोई भी अगर नॉर्मल लॉ स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर का लॉ स्टूडेंट भी, जो लॉ की पढ़ाई किया हो, जो लॉ की पढ़ाई ना भी किया हो, थोड़ा भी अगर लॉ की जानकारी रखता हो, तो वह जानेगा ये बात कि लॉ दो भाग में डिवाइड किया जाता है, लॉ को सिविल और क्रिमिनल। और ये सिविल मैटर है, टाइटल डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है कि ज़मीन किसका है, ज़मीन एक पार्टी का है या ज़मीन दूसरे पार्टी का है। एक पार्टी जो क्लेम कर रही है उसके हक में ज़मीन जाएगी या दूसरे पार्टी जो क्लेम कर रही है उसके हक में ज़मीन जाएगी। इसे हिंदू मुस्लिम इशू की तरह हमें देखना बंद करना होगा। हिंदू मुस्लिम इशू इसे पॉलिटिशियंस ने बनाया है अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, और वो पॉलिटिशियंस कहाँ से 2 सीट से 320 सीट पर आ गए हैं, और आगे भी उनकी सीट्स बढ़ती जाएंगी। लोग इस तरह बेवकूफ़ बनते जाएंगे अगर हम इसे हिंदू मुस्लिम के बाइनरी में क्वेश्चन पूछते रहेंगे। अब हमें समझना है कि मुस्लिम इशू कैसे, हिंदू मुस्लिम इशू क्यों नहीं है। अगर मान लीजिए मुसलमानों का लैंड है, अगर मुसलमानों का लैंड है तो मुसलमान आपस में क्यों लड़ रहे हैं? शिया कह रहे हैं हमारी ज़मीन, सुन्नी कह रहे हैं हमारी ज़मीन, तो किसकी ज़मीन, शिया की ज़मीन या सुन्नी की ज़मीन? मान लेते हैं कि हिंदू की ज़मीन है, हिंदू निर्मोही अखाड़ा कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन और हम राम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान राम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कह रहे हैं। VHP कह रहा हमारी ज़मीन, ज़मीन हमें मिलनी चाहिए और मंदिर हम बनाएंगे, यानी कि VHP खुद रामलल्ला के खिलाफ है, राम भगवान के खिलाफ है, तो ज़मीन किसकी है? हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, ये सारे पॉलिटिकल गेम्स हैं। तो हम इन चीज़ों से बच के रहना है, इन बाइनरी से बच के रहना है। दूसरी बात, जब 16th सेंचुरी में बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने बनाया था, तो 16th सेंचुरी में ना आप थे, ना हम थे, ना अडवानी जी थे, ना मोदी जी थे, ना योगी जी थे, हम में से कोई नहीं था उस वक्त देखने के लिए कि क्या हो रहा है। ये सारे फालतू बात कर रहे हैं कि राम मंदिर था, ये था, वो था, और बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़ के बनाया गया है। उस वक्त 16th सेंचुरी में कोई था तो 16th सेंचुरी में राम का सबसे बड़ा भक्त तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे। तुलसीदास जो 16th सेंचुरी में उस वक्त जिंदा थे, रामचरितमानस लिख रहे थे, उन्होंने अपने लेख में कहीं लिखा नहीं कि राम मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई गई है। तो आप अडवाणी जी आप बता दें कि आप तुलसीदास से ज़्यादा बड़े राम भक्त हैं, मोदी जी आप बता दें तुलसीदास से बड़े राम भक्त हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये सारे बकवास बातें हैं। और मान लेते हैं कि एक इंस्टेंस के लिए मान लेते हैं कि राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई है, पर कब बनाई गई? राम तो 30,000 साल पहले पैदा हुए थे, 30,000 साल पहले, ऐसा मेरा मानना है। हिंदुओं ने भी अपना इतिहास सही से नहीं पढ़ा है, उनको भी पता नहीं है। तो जो असली शंकराचार्य उनसे आके पूछेंगे तो उनका मानना है राम जो है वो सत्ययुग में पैदा हुए थे। तो जैसे कि हिंदू में 4 युग होते हैं, राम सत्ययुग में पैदा हुए थे, जो 30,000 साल पुराना है, जो इनका जो भी इनका बिलीफ है। अगर 30,000 साल पुराने पहले कोई मंदिर थी और उसको बाबर तोड़ा था, तो अभी 500 साल पहले अगर कोई मंदिर तोड़ी गई होगी तो उस वक्त कोई एजिटेशन क्यों नहीं हुआ? और अगर एट दी एंड अगर 30,000 साल पहले राम कहाँ पैदा हुए थे, आप एग्जैक्टली कैसे बता सकते हैं कि इसी स्पॉट में राम पैदा हुए थे? और मान लेते हैं कि राम मंदिर था और राम मंदिर तोड़ा गया था, एक बार के लिए मान लेते हैं, तो 2nd सेंचुरी में जो पशुमित्रा शुंगा था, शुंगा डायनेस्टी का, 1,000 से ज़्यादा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री तोड़ा उन्होंने। अशोका के बेटे ने मास प्रोसिक्यूशन किया बुद्धिस्टों का, क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि नहीं, ये हिंदू राज है और यहाँ हिंदू राज करेगा, सिर्फ ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राज करेगा, इसलिए बुद्धिस्ट को हमें भगाना होगा, बुद्धिस्ट जो है वो अधर्मी है, वो हमारे रिलीजन के नहीं है। तो 1,000 से ज़्यादा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री तोड़ा गया। अगर मान लीजिए आज बुद्धिस्ट मेजोरिटेरियनिज्म हो जाता है इस देश में, तो क्या वो सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जहाँ तोड़ा गया वहाँ पे सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाए जाएंगे? और जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री तोड़ करके मंदिर बनाया गया, उन सबको मंदिर को तोड़ के फिर से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाएंगे? तो इतिहास में कितना पीछे जाएंगे आप? इतिहास में सारी बातें बताई नहीं जाती हमें कि किस तरह 2nd सेंचुरी में पशुमित्रा शुंगा ने किस तरह बुद्धिस्टों का मास प्रोसिक्यूशन किया, लाखों की तादाद में बुद्धिस्ट मारे गए। आप खुद सोच रहे हैं इस बात को, फैजान मुस्तफ़ा ने अपनी वीडियो में, प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा अपनी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि इस तरह वो जब वो चाइना गए, चाइना में एक टैक्सी ड्राइवर ने पूछा कि जब बुद्धिज़्म हिंदुस्तान में जन्म लिया तो हिंदुस्तान में सिर्फ 6% बुद्धिस्ट क्यों है, और चाइना में बुद्धिज़्म जन्म नहीं लिया, चाइना में 18% है, जापान में इतना परसेंटेज बुद्धिस्ट है, और सबसे कम बुद्धिस्ट हिंदुस्तान में जहाँ बुद्धिज़्म जन्म लिया, इसलिए क्योंकि यहाँ के हिंदुओं ने बुद्धिस्ट को बहुत मारा और मास प्रोसिक्यूशन किया बुद्धिस्ट का। पर ये बात नहीं लाएंगे सिर्फ मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, ये बताएंगे हिंदुओं ने बुद्धिस्ट को मारा, ये नहीं बताएंगे। तो जो इतिहास में लड़ाई धर्म के आधार पे हुई, इसका मतलब क्या आज उसका हम न्याय करेंगे? जो इतिहास में हो गया हो गया, हमें आगे बढ़ना है, हमें प्रोग्रेसिव बनना है। इस देश को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए हमें राम मंदिर बाबरी मस्जिद से ऊपर उठना होगा, और जो कोर्ट का फैसला होगा हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि कोर्ट का फैसला अगर आता है बाबरी मस्जिद के लिए तो बाबरी मस्जिद बनेगा, कोर्ट का फैसला आता है राम मंदिर के लिए तो राम मंदिर बनेगा। कभी आपने सुना है कि कोई मुसलमान कह रहा है कि बाबरी मस्जिद मस्जिद वहीं बनाएंगे? पर ये फ्रिंज कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, ये बिगेटरी लोग जो कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, ये क्या आप ये कहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम वो बनाएंगे? और मैं तो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड से कहता हूँ कि अगर बाबरी मस्जिद के लिए वर्डिक्ट आ भी जाता है तो आप आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड कहें कि ठीक है, ज़मीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिल गया है या शिया वक्फ बोर्ड को मिल गया है,
या सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड दोनों को ज़मीन मिल गया है अगर मुस्लिम के फेवर में आता है और हम ज़मीन का एक हिस्सा राम मंदिर के लिए देते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ताकि हम हिंदू भाइयों का दिल जीत सकें, उन्हें बता सकें कि हम उनसे नफरत नहीं करते, हम उनसे प्यार करते हैं। अगर हिंदू भाइयों के हक़ में आता है तो आप राम मंदिर बनाएं अपना, हम एजिटेट नहीं करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मानेंगे, हम मान लेंगे कि जिसके साथ न्याय हुआ है उसके साथ न्याय हुआ है, जो सच्चाई होगा उसी के साथ न्याय होगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट कह देगा हमें वो मानना है, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, मस्जिद वहीं बनाएंगे, इस बाइनरी से बाहर निकलना है हमें। लॉ ऑफ द लैंड इज अबव एवरीथिंग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लैंड ऑफ द कंट्री इज अबव एवरीथिंग, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है, जो सुप्रीम कोर्ट कह देगा हमें वो मानना है। और सारे मुसलमानों से ये अपील है, मैं कैमरा में देख के ये बात कहूँगा कि चाहे बाबरी मस्जिद के हक में फैसला है या राम मंदिर के हक में, हम उस फैसले को सराखों पर रखना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराखों पर रखना है, रास्ते पर निकल के हुलिगनिज्म नहीं करना है। अपने मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहूँगा इस बात का मैं कि हमें हुलिगनिज्म गुंडागर्दी नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराखों पर।